Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lyal Public School. Today I am going to explain you Unit 5. Unit 5, some word problems question. Okay, statement questions. Number one question is, if there are 45 children in one class, how many children are there in 10 classes? हमसे क्या question put up किया गया है? If there are 45 children in one class, how many children are there in 10 classes? यदि one class में 45 children हैं, तो 10 classes में कितने children होंगे? Means हमसे हमें one का बताया गया है और हमसे more का पूछा गया है, means 10 का. Okay? So first we think about इसमें क्या होगा? Multiply, divide. ओके जब हमसे वन का हमें बताया गया है और टेन का पूछा गया है, हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे, चिल्ड्रन इन वन क्लास इक्वल टू 45, चिल्ड्रन इन टेन क्लासेस 45 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके नाउ अब हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे. 45 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 5 0, 0 4 0. Then ones place के नीचे हम क्या लगाएंगे? Cross का sign. Then multiply by 1. 1 5 0 5. 1 4 0 4. Then addition. 0 as it is. 0 plus 5 5. And 4 8 as it is 4. So answer is 450 children. So now answer is in statement form. So there are 450 children in 10 classes. Okay. सबसे important होता है word problems के सम में हम statement लिखें. First, read properly and then answer the question. Okay. Number two, a bus covers 1025 kilometer per day. अब एक bus जो है वो per day कितने kilometer चलती है? 1025 kilometer. How much distance will the bus cover in 7 days? अब हमसे क्या पूछा गया है कि वो बस जो है वो 7 days में कितना किलोमीटर कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है. So हमें 1 day का बताया गया है और पूछा क्या है हमसे कि वो 7 days में कितना कवर करती है. So डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day, 1 day में कितना कवर कर रही है वो? 1025 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 7 days. अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसे 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 5 0 35, 3 कैरी ओवर, 7 2 0 14, 14 plus 3 17, 1 अगेन कैरी ओवर, 7 0 0. सो यहाँ पर जो हमारा कैरी ओवर का डिजिट था हमने वो लिख दिया 1. 7 1 0 7. आंसर इज 7175. Means bus covers 7175 kilometer in 7 days. उस बस ने कितना कवर किया? 7175 kilometer in 7 days. Now question number 3 is, in a train, एक ट्रेन में 4 passengers can sit on a berth. एक berth पर कितने passenger बैठ सकते थे? 4. How many berths will be required for 1296 passengers? अब हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है? If passengers are 1296, तो उनको कितनी बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी? In a train, 4 passengers can sit on a berth. एक पैसेंजर पर, एक बर्थ पे कितने पैसेंजर हैं? 4. अब हमसे क्या कहा गया है? टोटल यदि पैसेंजर है 1296, हमें कितनी बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी? सो हम किस तरीके से करेंगे इसको? नंबर ऑफ पैसेंजर हु कैन सिट ऑन अ बर्थ 4, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 1296. अब क्या होगा इसमें? हमसे मोर पूछा गया है और हमें क्या बताना है कितने रिक्वायरमेंट है. 1296 डिवाइडेड बाय 4. नाउ लार्ज नंबर इज आवर डिविडेंड. 1296 डिविडेंड डिवाइजर 4. अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे.
वन इज स्मॉलर देन फोर, क्या होगा पेयर बनेगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, देन ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट इज नाइन, अब हम नाइन को नीचे लेकर आए, फोर टू जा एट, नाइन माइनस एट वन, देन ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट इज सिक्स, नाउ नंबर इज सिक्सटीन, फोर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, 16 minus 16, 0. Answer is 324 bus required for 1,296 passengers. Now, next question is question number 4. The cost of 12 kilogram sugar is rupees 576. 12 kilogram jo sugar hai, उसकी कॉस्ट कितनी आई है 576. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर, हमसे हमें ज्यादा का बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है 1 केजी शुगर की कॉस्ट क्या होगी. द कॉस्ट ऑफ 12 केजी शुगर इज रुपीज 576. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर. सो कॉस्ट ऑफ 12 केजी शुगर इज रुपीज 576. 1 kg sugar 576 divided by 12. Now 5 is smaller than 12. So hum kya karenge, next digit ko add karenge, wo kya ban jayega 57. And now table of 12, 12 fours are 48, 7, 7 minus 8, it's not possible. So 7 kya karega, borrow karega, kya ban jayega 17, 17 minus 8, 9, then 4 minus 4, 0. Bring down the next digit, 6, 96, 12, it's a 96, 96 minus 96 is 0. So the cost of 1 kg, 1 kg ki cost kya aayi hamari, 1 kg ki cost aayi hamari 48 rupees. Cost of 1 kg sugar is 48 rupees. Okay. So students, I hope you understood this exercise statement sums. Okay. Now practice it on your own. Aap iski practice karenge. Okay. And do neat and clean work in your notebook. Thank you.